हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग ऑरेंज पील क्रीम बनाएंगे। ये क्रीम हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करती है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को इवन टोन बनाती है। ये हमारे एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। ये हमारे डार्क स्पॉट, सनटैन और ओपन पोर्स की समस्या को दूर करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सफल हो जाती है। तो आइए स्किन वाइटनिंग ऑरेंज पील क्रीम बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज पील क्रीम बनाने के लिए मैंने ये एक संतरे के छिलके ले लिए हैं। इन्हें मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें संतरे के छिलके डालेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारे संतरे के छिलकों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से इसके जूस को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इसके जूस को अलग निकाल लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 1 चम्मच ऑरेंज पील का जूस डालेंगे। ऑरेंज पील में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन पर से सारा एक्सेस ऑयल हटाकर हमें एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन होने से बचाती है। साथ ही इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सफल हो जाती है। तो अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच बादाम का तेल डालेंगे। बादाम का तेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें सनबर्न होने से बचाता है, साथ ही हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। तो अब हम इसमें विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो अब हम लास्ट में इसमें ये 5-6 ड्रॉप लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। इससे क्रीम में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारी क्रीम का टेक्सचर कितनी स्मूथ बनी है। तो ये हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस तरह कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। तो यह मैंने क्रीम को कंटेनर में अलग निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और इस तरह थोड़ी सी क्रीम लेके अपने फेस और नेक एरिया पे इसे इस तरह जेंटली अप्लाई करें। आप इस क्रीम को सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करें, पर मेक श्योर कि अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि तभी आपको इसके एकदम इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे। और इसके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइटन, ब्राइटन और वाइटन होने लगेगी। आपके एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन रिड्यूस होने लगेंगे। और साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स या फिर ब्लेमिशेस हैं तो वो तो एकदम जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। ये आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव तो करेगी ही, साथ ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सफल हो जाएगी। तो आप भी इस क्रीम को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।